भाई और बहनों, ये जो संविधान है ये आपकी आवाज है, तो ये इनकी सच्चाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान देश भर में घूम घूम कर संविधान की इस छोटी प्रति को दिखाकर कहते थे कि बीजेपी सत्ता में आई तो इसे बदल देगी। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे को संविधान में बदलाव से जोड़ दिया। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को इस नैरेटिव का काफी फायदा मिला। वहीं बीजेपी और पीएम मोदी को पूरे मामले पर सफाई तक देनी पड़ी। भले ही इस नैरेटिव से काफी नुकसान झेलना पड़ा हो, लेकिन लाल और काले कवर वाले भारत के संविधान के पॉकेट संस्करण का प्रकाशन करने वाली कंपनी को बम्पर फायदा हो रहा है। दरअसल भारतीय संविधान के इस पॉकेट संस्करण का प्रकाशन लखनऊ की ईस्टर्न बुक कंपनी करती है। संविधान के इस पॉकेट संस्करण की मांग राजनीतिक हलकों में बढ़ गई है। कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्त वक्त पर इसकी प्रतियां लहराई थी। इसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में संविधान के पॉकेट संस्करण की बिक्री बढ़ गई है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से अखबार ने बताया कि कंपनी इस साल के आधे हिस्से में अपने 10वें संस्करण की 5000 से अधिक प्रतियां बेच चुकी है, जबकि इसके पिछले संस्करणों की लगभग इतनी ही तादाद में प्रतियां पूरे एक साल में बिकती थीं। ईस्टर्न बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित भारतीय संविधान के इस पॉकेट संस्करण के लेखक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण हैं। अपनी चुनावी रैलियों के दौरान राहुल गांधी अक्सर संविधान के इस पॉकेट संस्करण को लहराते हुए बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते थे। बिहार के बख्तियारपुर में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने संविधान की इसी प्रति को दिखाकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। भाई और बहनों, ये जो संविधान है ये आपकी आवाज है, और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश की जनता के साथ मिलकर बनाया है। और मैं नरेंद्र मोदी और उनके चमचों को कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती है, और अगर आपने कोशिश की तो आपके सामने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बाकी इंडिया गठबंधन खड़ा मिलेगा। इसको हम कभी बदलने नहीं देंगे, इसको कभी रद्द नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, इसके आने से पहले इस देश में किसानों का, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई हक नहीं होता था। जो भी आपको मिला है, जमीन का हक मिला, रिजर्वेशन मिला, जो शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिला, वो सारा का सारा इसी संविधान ने आपको दिया है। और ये आप चाहते हैं कि जैसे यहां हिंदुस्तान में पहले हुआ करता था राजाओं के टाइम में, वैसा फिर से हिंदुस्तान चलाया जाए कि पिछड़ों के अधिकार, दलितों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार सारे के सारे छीन लिए जाए, और जैसे पहले 20-25 लोगों का राज चलता था वैसे ही फिर से वही सरकार चलाना चाहते हैं, वैसा ही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें 20-25 लोगों का राज हो। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी ने यह काम 10 साल से किया है। पहले राजा महाराजा होते थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाला, संविधान ने निकाला, अब नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 नए राजा बना दिए, राजा महाराजा बना दिए। उनके नाम अलग है, आजकल नए नाम है, अदानी अंबानी ये नाम है उनके, मगर ये राजा है। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इनके लिए काम करता है।